जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग आप सभी को। सबसे पहले सॉरी कहना चाहूँगा, सॉरी आप सभी को कि दो दिन क्लास से नहीं चला, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था और तबीयत खराब होने की वजह से हम अपने लुसेंट महाभंडारा को संचालित नहीं कर पाए। लेकिन अब बता दूं कि अभी मैं 80-90% ठीक हूं और भंडारा जो है फिर आज से स्टार्ट है। कंटिन्यू पर डे आपको भंडारा देखने को मिलेगा एक नए अंदाज में। आपको मैं बता दूं, लुसेंट महाभंडारा बिहार पुलिस को मद्देनजर रखते हुए स्टार्ट किया गया है। इसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्य पे हम सब अच्छे से बातें करेंगे और एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए चलिए एक लाइन मैंने लिखा है आज, जो है उम्मीद एक जिंदा शब्द है। आप लोग समझते होंगे उम्मीद एक जिंदा शब्द है। हाँ दोस्त, जीवन में उम्मीद कहा जाता है, कितने आदमी कहते हैं कि उम्मीद किसी से मत करो, लेकिन उम्मीद जो है जिंदा शब्द है। आप किसी से, दूसरे किसी से उम्मीद ना करें, लेकिन आप अपने आप से उम्मीद करें। इसके बाद हम लोग लुसेंट की बात करते हैं। तो लुसेंट में हम लोग पढ़े थे प्राचीन भारत की इतिहास, इतिहास के स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत। इसको प्रमुख चार भागों में मैंने बांटा हुआ था। पहला क्या था? धर्मग्रंथ। क्या था? धर्मग्रंथ। उसके बाद दूसरा क्या था? ऐतिहासिक ग्रंथ। क्या? ऐतिहासिक ग्रंथ। उसके बाद क्या था? एक मेरा था विदेशी यात्रियों का विवरण। क्या? विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है। और सबसे अंत में क्या था? पुरातत्व। क्या? पुरातत्व। मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत बारीकी से जो है धर्म ग्रंथ को पढ़े हैं, उसके बाद जो है ऐतिहासिक ग्रंथ को पढ़े, उसके बाद जो है विदेशी यात्रियों को पढ़े। ठीक है। आपको बता दूं धर्म ग्रंथ में वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, ये सब आ जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथ में जातक, आगम, भगवती सूत्र, ये सब आ जाता है, कल्प सूत्र, ये सब आ जाता है। और विदेशी यात्रियों में जो विदेशी यात्री यहाँ है उसके द्वारा लिखे गए बुक, जैसे विदेशी यात्रियों के चाइना का यात्री हम लोग पढ़े, अरब का पढ़े, रोम का पढ़े, यूनानी सब का पढ़े, तो वो सब आ जाता है। आज केवल बेसिकली हम लोग बात करेंगे जो है पुरातत्व। किसका? पुरातत्व का। ठीक है, चलिए हम लोग क्लीन कर लेते हैं। पुरातत्व के बारे में हम लोग कुछ जानने और समझने की कोशिश करते हैं। फिर एक बार बता दूं मैं कि उम्मीद जो है जिंदा शब्द है। उम्मीद किसी और से नहीं, अपने आप से कीजिए। और जब आप अपने आप से उम्मीद करेंगे तो आप कुछ बेहतर करेंगे। ठीक है। लुसेंट महाभंडारा ऐसे ही आप लोगों को आनंदित करता रहेगा। चलिए सबसे पहले है कि मैं बात कर लू पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। क्या? पहला क्या टॉपिक है मेरा? पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। तो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य की बात करें तो इसमें खास करके अभिलेख आता है। क्या आता है? अभिलेख। वैसे इसको मैं दो भागों में बांटता हूं। एक तरफ जो है मैं अभिलेख लिखता हूं। क्या लिखता हूं? अभिलेख। और एक तरफ जो है वो सिक्के रखता हूं। क्या? सिक्के। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अभिलेख के अध्ययन, क्या? अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या? एपिग्राफी
लिथोग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिथोग्राफी। आपसे सवाल में पूछा जाता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लिथोग्राफी। उसके बाद जो है को हम लोग न्यू मिस मैट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस मैट्रिक। क्या कहा जाता है? न्यू न्यू मिसमैटिक कहा जाता है। सिक्के को, सिक्के के अध्ययन को न्यू मिसमैटिक कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग इतिहास को पढ़े। इतिहास, प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं, साक्ष्यों की बात कर रहे हैं, तो उसमें आखिरी टॉपिक जो है मेरा वो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य की बात कर रहे हैं। इसमें एक आ जाएगा अभिलेख और दूसरा जो आ जाएगा वो सिक्का आ जाएगा, ठीक है। तो अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है और सिक्के के अध्ययन को न्यू मैसमैटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैसमैटिक कहा जाता है। अभिलेख की बात करते हैं और अभिलेख में मुझे कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे जो खास करके हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम से रिलेटिव सवालों को ही हम यहाँ पे विस्तृत में अच्छे से पढ़ेंगे। एक है जो है एशिया माइनर। क्या? माइनर। एशिया माइनर का बोकाज कोई अभिलेख। बोकाज कोई अभिलेख, ठीक है। तो बोकाज कोई अभिलेख जो है यहाँ मध्य एशिया एशिया माइनर का अभिलेख है जहां आपको चार देवताओं का उल्लेख मिलता है। कितने देवताओं का? तो चार देवताओं का। पहला क्या है? इंद्र है। क्या है? इंद्र। दूसरा जो है मिश्र है। तीसरा जो है वरुण है और चौथा जो है आपको ना सत्य है। मैं आपको बता दूं ये जो ना सत्य है उसको इनको जो है अश्वनी कुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना सत्य को? अश्वनी कुमार भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है, ध्यान रखने वाली बात है, ना सत्य को जो है अश्वनी कुमार के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग खास करके पढ़ेंगे इसको, हम लोग यहाँ पे आगे लिख लें, इसको लिख लेते हैं इंद्र। इंद्र मिश्र, उसके बाद जो है वरुण, उसके बाद जो है ना सत्य। मुझे पढ़ना है जो है हाथी गुफा अभिलेख। क्या? हाथी गुफा अभिलेख। मैं आपको बता दूं हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग राजा यानी कलिंग राज के राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया। इसके द्वारा राजा खारवेल, कौन था राजा? खारवेल के द्वारा। राजा खारवेल के द्वारा जो है हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया गया। हाथी गुफा अभिलेख में ही प्रथम बार जो है पहली बार भारतवर्ष का जिक्र किया गया था। किसका? भारतवर्ष का। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया, तो सबसे पहला है हाथी गुफा अभिलेख। क्या? हाथी गुफा अभिलेख जो कलिंगराज खारवेल के समय का है। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि पुरातत्व, क्या? पुरातत्व। पुरातत्व की बात कर रहा हूं मैं, तो पुरातत्व शास्त्र का जो पितामह है, क्या? पितामह। पुरातत्व शास्त्र का जो पितामह है वो सर अलेक्जेंडर कलिंगहम को कहा जाता है। क्या? कलिंगहम को कहा जाता है। शॉर्ट नाम इसका क्या? कलिंगहम। आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि पुरातत्व शास्त्र का पितामह जो है वो आपको सर अलेक्जेंडर कलिंगहम को कहा जाता है। फिर एक बार आप लोग ध्यान देंगे कि पुरातत्व शास्त्र का पितामह जो है सर अलेक्जेंडर कलिंगहम को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कलिंगहम हम लिख दिए हैं, आपको याद रखना है।
अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी और सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। ठीक है, ये आपको फिर पूरा तत्व शास्त्र की जो पितामह है वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। एशिया माइनर बुकाज को अभिलेख से जो है इंद्र मिश्र वरुण और नासत्य अर्थात अश्वनी कुमार का उल्लेख मुझे मिलता है। उसके बाद है सेकंड नंबर पे हाथी गुम्फा अभिलेख जो कलिंग राजा थारवेल के द्वारा लिखवाया गया था जिसमें प्रथम बार भारतवर्ष का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद देखें नासिक अभिलेख, मैं आपको बता दूं कुछ अभिलेख आपको याद करना पड़ेगा। अभिलेख में अब ये डाटा की बात है इसमें मैं आपको क्या टाइप दूं। ठीक है, तो ये जो है आपको नासिक अभिलेख वो आपको गौतमी वलश्री के द्वारा लिखवाया गया है। किसके द्वारा? गौतमी वलश्री के द्वारा। यह आपको महाराष्ट्र नासिक में पड़ता है। गौतमी वलश्री के द्वारा लिखवाया गया है नासिक अभिलेख। आपको नासिक से याद रखना पड़ेगा गौतमी वलश्री। गौतमी आप गौतम याद रखिए, गौतम वलश्री या गौतमी वलश्री आपको मिलेगा कहीं कहीं। तो गौतम वलश्री वो गौतम महात्मा बुद्ध वाला गौतम याद रखिए। वहां से वो क्या लगाए? बल लगाए। बल लगाए कहाँ पे? बल लगाए तो धार्मिक मतलब क्या कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन में, क्योंकि आपको पता होगा कि धर्म सुधार आंदोलन दो प्रमुख क्रांति हुआ था प्राचीन काल में आंदोलन हुआ था, एक महात्मा महावीर स्वामी के द्वारा और एक जो है आपको महात्मा बुद्ध के द्वारा। ठीक है, तो नासिक अभिलेख जो है गौतम वलश्री के द्वारा करवाया गया। ठीक है, मतलब लिखवाया गया। उसके बाद बात करते हैं हम अगला अभिलेख को जूनागढ़ अभिलेख। किसका? जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्र दामन, क्या रुद्र दामन के द्वारा लिखवाया गया। किसके द्वारा? रुद्र दामन के द्वारा। उसके बाद एक बात है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। क्या? प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। चलिए बता दूं मैं आपको एक बार रिवाइज कर लूं कि हम लोग बात कर रहे हैं पूरा तत्व संबंधित साक्ष्य नहीं, तो पूरा तत्व शास्त्र क्या? पूरा तत्व शास्त्र का पितामह जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, कनिंघम साहब को क्या कहा जाता है? पूरा तत्व शास्त्र का पितामह। ठीक है, इसको दो भागों में मैंने बांटा है, एक है अभिलेख और दूसरा जो है सिक्का। क्या? अभिलेख और सिक्का। तो अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी और सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। सबसे पहले अभिलेख की बात करूं मैं तो अभिलेख जो है एशिया माइनर के सबसे प्राचीन की बात करता हूं मैं। एशिया माइनर के बुकाज को अभिलेख में जो है आपको नास मतलब चार देवताओं का उल्लेख मिलता है। किसका? चार देवताओं का। पहला नंबर पे इंद्र, दो नंबर पे मिश्र, तीन नंबर पे वरुण, चार नंबर पे नासत्य। नासत्य को ही अश्वनी कुमार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या? हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा थारवेल के द्वारा लिखवाया गया था। किसके द्वारा? थारवेल के द्वारा। ये कलिंग राज वही है जहां अशोक ने हमला करके 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया था और उसमें लाखों आदमी मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा आदमी घायल हुए। मिट्टी में खून सना हुआ मिला जैसे खून की नदियां बह गया हो, वैसे उसके बाद ही सम्राट अशोक जो है धर्म का शुरुआत किया। वही कलिंग जो ओडिशा में है। कहां? ओडिशा में। ठीक है, वही का राजा जो है थारवेल के द्वारा हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया गया। हाथी गुम्फा अभिलेख में प्रथम बार जो है भारतवर्ष का जिक्र किया गया। किसका? भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया। उसके बाद है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख आपको नाम से पता होगा कि नासिक अभिलेख कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, तो नासिक अभिलेख जो है गौतम वलश्री या गौतमी वलश्री के द्वारा लिखवाया गया है। ठीक है, अब जूनागढ़ अभिलेख। क्या? जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन के द्वारा। चार बार बोलिए जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन।
जूनागढ़ मिले रुद्र दामन, जूनागढ़ मिले रुद्र दामन, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रयाग स्तंभ अभिलेख, क्या प्रयाग स्तंभ लेख जो समुद्रगुप्त के द्वारा कहा लिखा गया है, लिखवाया गया है। आपको मैं बता दूं समुद्रगुप्त के बारे में कुछ बातें हैं। तो कहा जाता है कि समुद्रगुप्त की घोड़ा जो है 3 समुद्रों की पानी पीता था। कितने समुद्रों की? 3 समुद्रों की। फिर एक बात और उनके बारे में कहा जाता है कि भारत के नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है वो 3 समुद्र की पानी पीता था। चलिए अब हम इससे आगे देखते हैं आगे क्या है। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख जो है वो पुलके सिंह द्वितीय के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? पुलके किसके द्वारा लिखा गया? पुलकित सिंह द्वितीय के द्वारा। बता दूं एहोल नाम से आपको पता चलता होगा कि एहोल क्या है, नहीं तो देखिए पुलकित सिंह कहीं ना कहीं आपको पुल की बात हो रहा है तो दो दीवारों के बीच में जब आप देखते होंगे सड़क बनता है, नहीं तो सड़क जब बनता है तो कहीं ना कहीं पुल बनता है। तो पुल जब बनता है तो एक इधर दीवार रहता है, और एक इधर दीवार रहता है, और दोनों के बीच में खाली स्थान रहता है, जगह खाली रहता है। क्यों? कि पानी इधर से उधर जा सके। तो पुल यानी पुल के बीच में क्या रहता है? हॉल रहता है। क्या रहता है? पुल के बीच में हॉल। आप एक छोटा सा ट्रिक से याद रख सकते हैं कि पुल के सिंह द्वितीय जो है एहोल अभिलेख को लिखवाया गया था, एहोल अभिलेख को लिखवाया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मंदसौर अभिलेख का। क्या? मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख जो है यशोवर्मन द्वारा लिखवाया गया था। किसके द्वारा? ये यशोवर्मन वही का राजा है जो मालवा का था, मालवा का यशोवर्मन द्वारा। किसके द्वारा? मालवा नरेश यशोवर्मन द्वारा, ठीक है। डायरेक्ट याद रखने वाला मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन द्वारा लिखवाया गया है। आपको भी बता दूं मालवा नरेश यशोवर्मन द्वारा मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों का उल्लेख मिलता है। क्या? रेशम बुनकरों का, बुन किसका मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन द्वारा लिखवाया गया है। मैं बता दूं एक जो है ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख वो आपको प्रतिहार राजा, ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश राजा भोज के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? राजा भोज के द्वारा। मैं वाली भाज कर लू। चलिए आप लोग बताइएगा मुझे कि एहोल अभिलेख, क्या एहोल अभिलेख पुलकित सिंह द्वितीय के द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखाया गया? पुलकित सिंह द्वितीय के द्वारा लिखाया गया। मंदसौर अभिलेख जो है राजा यशोवर्मन, कहां का राजा यशोवर्मन? तो मालवा नरेश का, मालवा नरेश यशोवर्मन द्वारा लिखवाया गया, जिसमें हमें क्या मिलता है? रेशम बुनकरों का जानकारी मिलता है। किसका? रेशम बुनकरों का जानकारी मिलता है, ठीक है। ये याद एग्जाम पूछता है, ठीक है। रेशम बुनकरों का जानकारी मुझे किस अभिलेख से मिलता है? तो वहां पे आप लगा सकते हैं मंदसौर अभिलेख, ठीक है। कन्फर्म आंसर है इसका। उसके बाद है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार राजा, क्या? प्रतिहार राजा, राजा भोज के द्वारा लिखवाया गया था। वही राजा भोज, वही वाला जो गाना है कहां राजा भोज कहां गंगू तेरी, ठीक है। उसके बाद आने देखिए
अरण्य अभिलेख, क्या अरण्य अभिलेख? अरण्य अभिलेख जो है वो आपको भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? भानुगुप्त के द्वारा। इसमें जो है सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। क्या? सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अरण्य अभिलेख कौन सा अभिलेख? अरण्य अभिलेख जो भानुगुप्त के द्वारा लिखाया गया था। किसके द्वारा? भानुगुप्त के द्वारा, जिसमें आपको प्रथम बार का फर्स्ट टाइम जो है वो क्या मिलता है? सती प्रथा का साक्ष्य। क्या मिलता है? सती प्रथा का साक्ष्य। उसके बाद एक समय एक अभिलेख आपको याद और रखना है जो है देव पारा अभिलेख। क्या? देव पारा अभिलेख, वो राजा विजय सेन के द्वारा लिखा गया था। बंगाल का राजा है विजय सेन। क्या? राजा विजय सेन के द्वारा लिखा गया था। कहां का राजा था विजय सेन? तो बंगाल का राजा। एक बार फिर एक बार हम रिवाइज कर ले कि एक और अभिलेख जो है पुलके सिंह द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया था। उसमें जो है उसके बाद जो है अरण्य अभिलेख। तो अरण्य अभिलेख जो है भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया, जिसमें जो है फर्स्ट टाइम जो है सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सती प्रथा का साक्ष्य जो है फर्स्ट टाइम कहां मिला या कहां से मिला? तो अरण्य अभिलेख भानुगुप्त के उससे मिला। ठीक है, अभिलेख से मिला। मैं आपको बता दूं एक अभिलेख आपको और याद रखना है, जिसका नाम है भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख। क्या? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख मैं आपको बता दूं भीतरी अभिलेख जो है वो स्कंद गुप्त के द्वारा लिखवाया गया है। क्या? स्कंद गुप्त के द्वारा। और स्कंद गुप्त के द्वारा क्या लिखा गया है? भीतरी अभिलेख। और भीतरी जूनागढ़ अभिलेख से जो है हूनों के आक्रमण की जानकारी मिलता है। क्या? हूनों की आक्रमण का जानकारी मिलता है आपको। आपको सवाल पूछा जाएगा हूनों के आक्रमण की जानकारी मुझे किस अभिलेख से मिलता है, तो आप भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख आराम से टिक लगा सकते हैं एग्जाम में, जो स्कंद गुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? भीतरी स्तंभलेख स्कंद गुप्त के द्वारा लिखवाया गया था, जो जिसमें हूनों की आक्रमण की जानकारी मिलता है। देव पारा अभिलेख जो है विजय सेन बंगाल के राजा बंगाल के शासक के द्वारा लिखवाया गया था। अब हम बात करते हैं सिक्कों का। किसका? सिक्कों का। मैं आपको बता दूं कि एक चैप्टर ही एक सेशन ही केवल सिक्का पे लेंगे हम। किस पे? केवल सिक्का पे लेंगे। लेकिन अभी हम आपको कुछ शॉर्ट जानकारी दे दूं। शॉर्ट में क्या है, एग्जाम के लिए पूछा जाएगा। तो सिक्के को जो है दो भागों में पहले विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, एक है आपको कासा पर्ल। क्या? कासा पर्ल। ठीक है, तो कासा पर्ल जो है साहित्य में सिक्के को कहा गया है। किसको? साहित्य में सिक्के को कहा गया है। एक जो है आहत सिक्का जो है सिक्का का प्राचीनतम रूप है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम सिक्का जो है वो क्या है? आहत सिक्का है। क्या? आहत सिक्का। ठीक है, सिक्के का ही दूसरा नाम जो है कासा पर्ण है, जो साहित्य में कहा गया। कहां कहा गया? साहित्य में। एक सिक्का का और नाम आता है जो आता है और एक सिक्का का एक और नाम आता है जो आता है अरिक मेरू। क्या आता है? अरिक मेरू। ठीक है, तो अरिक मेरू जो है ये पुदुचेरी के आसपास में मिलता था, पुदुचेरी में। ठीक है, यहां से रोम के सिक्के भी मिल रहा है। क्या मिला? रोमन सिक्के भी मिला है। ठीक है, आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, आपको केवल दो तीन बात याद रखना है कि सिक्के के प्राचीनतम नाम क्या था, तो आहत। ठीक है,
सिक्के को साहित्य में क्या कहा गया, तो कासापन कहा गया। अरिक मेरू जो है पुदुचेरी में मिला है और वहाँ रोम के सिक्के भी मिले हैं। आपको कुछ बात सिक्के के बारे में और जानकारी रखना है कि सबसे पहले सोने का सिक्का वो यूनानियों द्वारा चलवाया गया था। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा, यवनों के द्वारा। ठीक है, सबसे ज्यादा किसके काल में सोने का सिक्का चला? तो सोने का सिक्का जो है गुप्त के काल में चला सबसे ज्यादा। ठीक है, किसके काल में? गुप्त के काल में। सबसे पहले कौन चलाया? तो यूनानी चलाया। उसके बाद धीरे धीरे एक सिक्के का क्रमिक विकास हुआ। क्रमिक विकास होने के बाद जो है गुप्त के द्वारा सर्वाधिक सोने का सिक्का चला गया। किसके द्वारा? किसके किसके द्वारा? गुप्त के द्वारा। क्या चलाएगा? सर्वाधिक सोने का सिक्का। अब इसमें एक सवाल पूछता है, सिक्का में सबसे सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का किसके किस वंश के काल में चला गया? तो गुप्त वंश के काल में। आपको बता दूं मैं कि सर्वाधिक मांग होने पे आपको जो है क्वालिटी वेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, वो सिक्के के अध्ययन में हम पढ़ेंगे। कल ही एक सेशन लगा देता हूं मैं कि सिक्के सिक्का के बारे में, मतलब सिक्के की पूरी संपूर्ण जानकारी जो है हम लोग पढ़ेंगे, किसके काल में कौन सा सिक्का चला और किसके काल में कौन सा सिक्का था। ठीक है, इस अध्याय में हम लोग सिक्के पे जो है समुद्रगुप्त को, किसको? समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए, समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए सिक्के पे दर्शाया गया है। क्या? समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए सिक्के पे दर्शाया गया है, और जो आपको संगीत प्रेमी कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? संगीत प्रेमी। चलिए आज हम लोग यूनिट एक कंप्लीट कर लिए। क्या? यूनिट फर्स्ट जो है कंप्लीट कर लिए। मैं आप लोगों को आश्वासन दिलवाना, मतलब देना चाहता हूं कि कल से जो है प्रॉपर यूनिट वाइज जो है बैच चलेगा। कल पहले हम सिक्के का एक इतिहास देख लेते कि सिक्के है क्या, कहां से क्या शुरुआत हुआ, कहां से क्या करना है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेकंड हुआ, कल से हम एक नया यूनिट शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको सिक्के के बारे में जानकारी अच्छे से दे देंगे। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी टॉपिक वाइज प्रत्येक सप्ताह में दो टॉपिक डाला जाएगा चैनल पे। आप लोग आए, साथ मिलके कुछ सीखने की प्रक्रिया की स्टार्ट करें हम लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो कमी है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद आप सभी को।